हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएसआर पेंटिंग्स। तो आज हम बनारस घाट का एक पेंटिंग करेंगे वाटर कलर मीडियम में, और ये A3 साइज पेपर है, RTOs का हैंडमेड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और मैं भी स्केच कर रहा हूँ, स्केच बिल्कुल ही लाइट रहेगा, हमें स्केच लाइट ही करना चाहिए। अच्छा, पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक लाइन मतलब ड्रॉ कर देता हूँ मैं, उसके अनुसार फिर बनाने में इजी होगा। What? Bro, what are you talking about, man? अगर पर्सपेक्टिव बिना समझे अगर कीजिएगा तो फिर उतना आपको बहुत मुश्किल पड़ सकती है बनाने में, और उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा। इसलिए देखिए, जो मैंने एक लाइन जो ड्रॉ किया ना अभी, और ये भी लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उससे आसानी होता है हमें पेंटिंग समझने में, बनाने में, फिगर को समझने में, क्योंकि इससे दूरी पता चल रहा है कि ये जो करीब का चीज़ है वो बड़ा है, और धीरे 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 वो छोटा हो गया है, क्योंकि वो लाइन देखिए आगे चल जाकर ख़त्म हो गया है, मैच कर गया एक जगह, तो वहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें समझना है, तो इस चीज़ को मैं जूम आउट करके आपको समझा दूँगा। तो स्केच कंप्लीट हो चुका है, और जो मैंने पहले पर्सपेक्टिव के लिए लाइन जो ड्रॉ किया था उसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो अब चलिए कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये RTOs पेपर, हैंडमेड पेपर जो है, ये वाटर एब्जॉर्ब उतना नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि इस पर आप वाटर वॉश ना देकर डायरेक्ट कलर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये पानी की मात्रा बहुत कम ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ज़्यादा नहीं, इस पर कोशिश करना है आपको कम से कम लेयर में काम करना है, क्योंकि ब्रूस्टो पे मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले वॉश करने के लिए, और वॉश करता भी था। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको स्थिर रहकर काम करना है। कलर पैलेट में हमेशा कम कलर रखना है आपको। अच्छा, ओवरऑल फिगर को समझ लेना है। और फिर तो ब्रूस्टो का जो पेपर था उस पे मैं क्या करता था, क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था, अच्छा था, तो उस पे कलर शुरू में मतलब मैं लाइट इस्तेमाल करता था, लाइट टू डार्क आता था। लेकिन इसमें मैं सजेशन ये दूंगा कि कोशिश कीजिए शुरुआत से, जहाँ पर क्योंकि इसमें लेयर आपको कम चढ़ाना है, तो शुरुआत से ही थोड़ा मतलब डार्क रखिएगा कलर को, शुरुआत में कलर को ही डार्क रखना है, ठीक है। Okay. उसमें मतलब पानी की मात्रा कम होगी और कलर की मात्रा हल्का ज़्यादा रहेगी, कि वो मतलब दिखे जहाँ पर जैसा ज़रूरत है वैसा। ये नहीं कि मैं बोल दिया ज़्यादा तो हर एक जगह ज़्यादा कर दिए, वैसा नहीं, फिगर के अनुसार समझ के करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सब तरफ जहाँ पर जो कलर ज़रूरी है पहले एक बेस कलर मतलब चढ़ा दे रहा हूँ, और पहले ही मतलब मैं डार्क कर दिया, ये वाटर एरिया है, और जहाँ पर वाइट स्पेस छोड़ दिया है पहले ही, ये जो भी फिगर है उसके अनुसार मैंने वाइट स्पेस छोड़ा है। अच्छा, और एक बार जब ये लेयर ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे काम करेंगे।
फर्स्ट लेयर सूख गया, ड्राई हो गया है और मैंने पहले ही वाइट स्पेस छोड़ दिया था। और जहाँ पर जो कलर ज़रूरी है उसके अनुसार मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि फोकल पॉइंट पे ही ज़्यादा डिटेलिंग होगा, बाकी सब जगह जैसे जैसे फिगर में फोकल पॉइंट से दूरी बढ़ते जा रही है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वो पर्सपेक्टिव मैंने बनाया है जिसके सामने जो टेंपल दिख रहा है, रेड वाला टेंपल, यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो जब छोटा होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है सीन, तो उसके अनुसार वहाँ पर डिटेलिंग कम होते जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और देख सकते हैं कि मैं काम किस तरीके से कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि मेरे वर्क को देखकर समझिए। तू समझा? हाँ। कि मैं वर्क किस तरीके से कर रहा हूँ, और हम देखने से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम देखकर ज़्यादा सीखेंगे। तो ध्यान से अब वर्क को देखिए और समझिए, और अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं रिप्लाई करूंगा। कहीं पर भी मैं डार्क कलर के लिए मतलब डायरेक्ट ब्लैक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पहले भी बोलता हूँ कि डायरेक्ट ब्लैक इस्तेमाल मत कीजिए आप, हो सके तो किसी भी बेस कलर है उसी का आप डार्क टोन बनाइए और वो इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि ये रेड टेम्पल है तो वहाँ पे थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा था, ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने ब्लैक कलर इस्तेमाल नहीं किया। शायद आपको वीडियो में ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन ब्लैक कलर इस्तेमाल नहीं किया है। उसमें मैंने वॉयलेट और अल्ट्रा मैरिन ब्लू कम्बाइन करके और हल्का रेड, और जहाँ पर दम बिल्कुल ज़्यादा डार्क चाहिए तो हल्का ब्लैक मिक्स कर लेता हूँ, हल्का ब्लैक मिक्स कर लेता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, मिक्स करने का बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट ब्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको लाइट एंड शैडो ये चीज समझ कर चलना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, ज्यादा इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगा। क्या बात है, और वर्क भी अच्छा निखरता है। अगर एक बार आप लाइट एंड शैडो समझ जाइएगा तो आपको भी काम करने में आसानी होगी, और ये चीज़ आपको काम करते करते आएगा। कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए मोनोक्रोम पेंटिंग से, तो उससे आप ज़्यादा कुछ सीखिएगा। तो अभी नहीं, अभी मैंने एक भी मोनोक्रोम पेंटिंग अपलोड नहीं किया है, तो आने वाले समय में मैं मोनोक्रोम पेंटिंग अपलोड करूँगा, और वो भी बनारस घाट का ही सीन बनाऊँगा। देख सकते हैं बिल्कुल अब पेंटिंग कंप्लीट ही हो चुका है, और जहाँ जहाँ पर कुछ हल्का फुल्का जो चीज़ चाहिए तो मैं थोड़ा सा मतलब पीछे हटकर मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि क्या और कमी है, उसके अनुसार मैं ऐड कर देता हूँ। देख सकते हैं कि फोकल पॉइंट पे मैंने डिटेलिंग किया है, और उसके बाद धीरे धीरे वो लाइट हो गया है। तो चलिए मैं आपको करीब से अब दिखाता हूँ, और बताइए आप कि कैसा लगा ये आपको वीडियो, ये पेंटिंग कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल RSR पेंटिंग्स को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।